आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में राजेश जी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं और राजेश जी आपके साथ हम ये पहली क्लास एडवांस एक्सेल की हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये पहली क्लास में जैसे कि कुछ भी चीज शुरू करने से पहले उसका फंडामेंटल जानना जरूरी है, इसलिए आज हम आपको इसका एक्सेल का कुछ फंडामेंटल चीजें बताएंगे। अब फंडामेंटल में ऐसा नहीं है कि आपको हम एक्सेल खोलना और बंद करना और एक्सेल के हिस्ट्री वगैरह सिखाएंगे। हम बात करेंगे कि आप एक्सेल सीख रहे हैं तो एक्सेल का क्या यूज करोगे आप। yes. ऑफिशियल एनवायरनमेंट में एक्सेल का क्या यूज करोगे, बस इसका एक डेफिनेशन के बारे में जान ले कि आप एक्सेल सीखने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं। कि कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा आपसे बोल दे कि भाई एक्सेल है क्या, करते क्या है, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सको एक सही तरीके से। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए तो है ही, और साथ में आप जो है इसको इंटरव्यू वगैरह में या किसी को एक्सप्लेन करने में समझा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम बात करते हैं एक्सेल का फर्स्ट यूज, कि हम एक्सेल का पहला यूज क्या करते हैं। जी, तो एक्सेल का पहला यूज होता है वो होता है डेटा स्टोरेज। ठीक है जी, डेटा स्टोरेज। बट यहां ध्यान रखिएगा, डेटा स्टोरेज तो है पर दिस इज नॉट ए डेटाबेस। आप एक्सेल को डेटाबेस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो कि डेटाबेस को फुलफिल नहीं करते हैं। जैसे सबसे पहला आपका कि आपकी जो फाइल है वो सही तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं हो सकती है। अगर आपने पासवर्ड डाला तो ब्रेक होने के चांसेस हैं। डेटा की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, ज्यादा डेटा, हालांकि 10 लाख की कैपेसिटी है एक्सेल की, लेकिन जब ज्यादा डेटा डालते हैं तो क्या होता है, आपका डेटा करप्ट होने के चांसेस होते हैं, करप्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं, स्लो वर्किंग होता है, और इसकी जो फाइल है इजिली डिलीट की जा सकती है। जी, तो मैंने इतने सारे नेगेटिव चीजें बता दी आपको कि भाई एक्सेल करने डेटा स्टोर करने से चीजें होती है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर डेटा स्टोर हम करेंगे तो कौन सा डेटा स्टोर करेंगे, जी किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे इसमें। तो जैसे कि मेरे हिसाब से इसमें हम कई तरह का डेटा स्टोर करते हैं। सबसे पहला मिसलेनियस डेटा। मिसलेनियस डेटा मतलब कि आप मान लीजिए कि एक अकाउंट टीम में है और आपने अकाउंटिंग के लिए टैली का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक्चुअली मेरा जो डिपार्टमेंट है ना डेटा रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको हर एक चीज समझा रहा हूँ, आप वेट कीजिए। जी 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 जी, तो थोड़ा माइंड पे ये रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछने का भी टाइम दूंगा, बट कंप्लीट द टॉपिक, इसके बाद आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा। तो डेटा स्टोरेज में से आप अकाउंट, मान लीजिए कि आप एक अकाउंट टीम में काम करते हैं, आप टैली यूज करते हैं। अब आपको ₹2, आपके जो छोटे मोटे खर्चे हैं जैसे कि ऑफिस के जो खर्चे होते हैं जिसको पेटी कैश करते हैं, अब उसका रिकॉर्ड तो टैली में रखोगे। आपने ₹2 की फोटो स्टेट कराई है, ₹4 का समोसा का खिलाया किसी गेस्ट को, तो ऐसे रिकॉर्ड को तो नहीं रखा जा सकता ना। लेकिन हिसाब तो रखना पड़ेगा क्योंकि महीने का 10-20 खर्चा होता है। तो मिसलेनियस डेटा जैसे आप एक काम इसमें है, पेरोल टीम में है, आप पेरोलिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, लेकिन फिर भी अटेंडेंस को आप एक्सेल सीट पे रखते हैं, तो कहने का मतलब है कि आप बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर यूज करो फिर भी आपको अपना जो मिसलेनियस डेटा होगा जिसको आप अपने सॉफ्टवेयर में नहीं डाल सकते उसको एक्सेल पे रखना पड़ेगा। दूसरा जो आता है इसका यूज आता हुआ था है आपका SME, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस। हम जो छोटे लोग हैं जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जी, या उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए माने कि कैपेसिटी वगैरह बड़ी अलग चीज चाहिए, जैसे SQL हो गया, Oracle हो गया, SAP हो गया, ऐसे डेटाबेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो लोग जो है वो लोग इसमें हमारे जो डेटा है उसको एक्सेल में डाल देते हैं। बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ द डेटा होता है, जैसे कि 10-20 का डेटा होता है, तो वो उसको एक्सेल में ही डालते हैं। तीसरा कि कॉर्पोरेट्स एक्सेल का कैसे इस्तेमाल करता है डेटा स्टोरेज के लिए,
तो कॉर्पोरेट्स इस्तेमाल करता है, जैसे आप बोल रहे हैं, वो इस्तेमाल करते हैं एनालिटिक्स डेटा के लिए। अब जैसे आपके जितने भी क्लाइंट है, वो क्लाइंट का कहने के डेटा आपके सर्वर पे किसी न किसी डेटाबेस में पड़ा है, जो डेटाबेस आप यूज करते होंगे, जी। लेकिन उस पर रिपोर्ट बनानी होगी, उसमें एनालिटिक्स बनाना होगा, तो आपको डेटा डाउनलोड करके एक्सेल में स्टोर करना होगा, फिर उस डेटा के बिहाफ से आप डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे। और अगर डैशबोर्ड्स और अपने रिपोर्ट्स अगर डायनेमिक बनाया, तो डेटा को सीट पे होल्ड रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कल भी आपको दिखाया था और आज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कल मैंने रिपोर्ट बताया था। तो डेटा को आपको कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ेगा, जैसे ये रिपोर्ट हमने बनाई हुई है, हालांकि सेल्स डेटा है, मेरे सेल्स फोर्स से ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ने पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने ईयरली डेटाबेस, ईयरली रिपोर्ट्स बनाई, तो हमें पूरे साल का डेटा अपने इस डेटा शीट में होल्ड रखना पड़ा, मतलब कि स्टोर रखना पड़ा। तो आपने एक एक पॉइंट को समझा कि हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं मिसलेनियस एसएमई एंड एनालिटिक्स डेटा। आप एक्सेल को डेटाबेस ना बनाएंगे, क्योंकि एक्सेल सिक्योर नहीं है डेटाबेस के माध्यम से, जैसे कि इसमें आप पर्पस से। पासवर्ड डाल दिया, तो पासवर्ड को इजीली तोड़ा जा सकता है, या जी। पासवर्ड भूल गए तो रिकवर करने का चांस नहीं है, आपकी फाइल इजीली कोई डिलीट कर सकता है, जिसने आपका सिस्टम एक्सेस किया उसने आपकी फाइल को डिलीट कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए डेटाबेस नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे डेटा स्टोर किया जा सकता है। दूसरा यूज है वो है कैलकुलेशन, ठीक है। अब कैलकुलेशन के लिए मुझे अब तक एक्सेल से बेटर सॉफ्टवेयर नहीं मिला, इसलिए कि आप ऑरिकल बात कर ले, एसक्यूएल बात कर ले, पावर बीआई बात कर ले, टैबलो बात कर ले, उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो एक फील्ड टू फील्ड होती है, समझ गए। वहां सेल टू सेल नहीं होता, रीजन वहां सेल की एक एड्रेस नहीं होता है, बट यहां सेल का एड्रेस जैसे कि E3, तो अगर हम कोई भी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास एक एड्रेस है कि E3+F3, और रिजल्ट हमें G3 पे दिख जाएगा। और कैलकुलेशन के लिए इसमें कई सौ फॉर्मूले दिए गए हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अलग अलग कैटेगरी का, और साथ में आप अपने मैथमेटिकल ट्रिक्स को भी ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल कि Q1 है हमारे पास, Q2 है, Q1 में मान लीजिए 80 सेल है, Q2 में 60 सेल है, और मुझे इसका ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ के लिए एक्सेल में मान लीजिए फॉर्मूला है या नहीं है, आपको अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फॉलो करना है, ताकि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ग्रोथ के लिए कहती है, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ठीक है, क्या कहती है, लेटेस्ट लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो यहां पे हम ब्रैकेट में लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, रिजल्ट आपके सामने, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपका रिजल्ट -25% का आपका सेल डाउन हुआ है। तो कैलकुलेशन, आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है, आपको इंसेंटिव कैलकुलेट करनी है, आपको अपना परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए एक्सेल सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, और क्यों है ये चीज भी आपको मैंने समझा दिया। ओके सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो आता है वो आता है आप एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन कर लीजिए। तो एनालिसिस और रिपोर्ट प्रेजेंटेशंस के लिए फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो एनालिसिस मतलब हुआ कि आपको किसी भी चीज के लिए कोई इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो पिवट टेबल और बहुत सारे मीडियम्स आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। जैसे आपको ये देखना है, एनालिसिस करना है कि साल में किस प्रोडक्ट का प्राइस सबसे ज्यादा रहा, जी या फिर किस प्रोडक्ट का प्राइस, एवरेज प्राइस सबसे ज्यादा था,
जी या किस प्रोडक्ट का मांग डिमांड आपका सबसे ज्यादा था, एवरेज डिमांड। जी आपको ये एनालिसिस करना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस महीने में ज्यादा सेल होता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेल पे आप इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करती है प्रेजेंटेशन की। अब लोग कहते हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब पावर पॉइंट का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अगर आप बात करें रिपोर्ट्स की जी, तो मेरे हिसाब से एक्सेल सबसे बेटर है डायनेमिक रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि मेरी जो आदत है, मैं जब भी कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करता हूँ तो मैं एक्सेल पे करता हूँ। रीजन ये कि यहाँ डायनेमिक है, जैसे आपके सामने ये जून का रिपोर्ट दिख रहा है जी। तो मान लीजिए मुझे जून का रिपोर्ट बनाना होगा तो पूरी एक पीपीटी में कई सारे स्लाइड्स बना के और मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, राइट जी। और बॉस ने सरली पूछ लिया, यार जून का रिपोर्ट तो ठीक है लेकिन मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, तुम एक काम करो मई का रिपोर्ट दिखाओ। तो मुझे मई की रिपोर्ट को दिखाने के लिए वापस मई वाले फाइल फोल्डर पर जाना होगा, पावर पॉइंट को खोलना पड़ेगा जी, और मुझे हर महीने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा जी। लेकिन मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर दिया, मुझे यहां अपना डेटा डालना है और यहां पे जस्ट मंथ चेंज करना है जी। अगर मई का डेटा डाला हुआ है तो मई, जुलाई का डेटा डाला है तो जुलाई, बस सिंगल क्लिक रिपोर्ट विल बी चेंज। और आप बार बार फाइल खोलेंगे तो क्या होगा कि सामना जो बंदा इस चीज को देख रहा है वो जो है डिस्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि खोलने के लिए फोल्डर में जाएंगे, फिर सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, पीपीटी ओपन करेंगे, फिर F5 करके फिर उस पर्टिकुलर स्लाइड पे जाएंगे क्या। बिल्कुल सर, तो प्रेजेंटेशंस के लिए एक्सेल सबसे अच्छा है। और चौथा है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसके बगैर एक्सेल का कोई अस्तित्व नहीं है, वो है शेयरिंग, फाइल एक दूसरे को शेयर करना। अब सर ये मेन कैसे हुआ, अब देख लीजिए आज के डेट में एक्सेल से भी अच्छी रिपोर्ट बनाता है पावर बीआई जी। बट प्रॉब्लम क्या है कि पावर बीआई की रिपोर्ट को देखने के लिए आपके पास पावर बीआई का सॉफ्टवेयर होना चाहिए जी। अब पावर बीआई का सॉफ्टवेयर हर किसी के पास हो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं है ठीक है। अगर मोबाइल में देखना चाहते हैं तो पावर बीआई का एंड्रॉइड होना चाहिए आपको जी जी। हालांकि वेबलिंक वगैरह से भी देखा जा सकता है, लेकिन फिर वो रिपोर्ट और डेटा और हर चीज का एक्सेस नहीं मिल पाता है, जिसे जो फैमिलिटी एक्सेल के साथ वो नहीं हो पाती। लेकिन एक्सेल का फाइल हर एक्सेल का सॉफ्टवेयर 90% से ऊपर पीसीज में होते हैं जी जी जी। अगर मान लीजिए एक्सेल नहीं भी है तो उनके पास एक्सेल का सब्स्टिट्यूट जैसे कि OpenRG, सिम्फनी या फिर आपका क्या बोलते हैं एक्सेल व्यूअर, स्प्रेडशीट व्यूअर, इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो यू कैन ओपन इन द गूगल सीट, वो मेल पे सीधे फाइल पे क्लिक करके गूगल सीट पे ओपन कर ले। क्योंकि सारी चीजें हम जो करते हैं अगर उसको हम शेयर ना कर सके और शेयर कर भी दिया सामने वाला पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके तो सारी चीजें वेस्ट है, क्या राजेश जी। जी बिल्कुल सर, तो आप ये कह सकते हैं कि हम एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, एनालिसिस एंड रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन एंड शेयरिंग आवर रिपोर्ट एंड डेटा जी। सिंपल सा वर्ड, तो बिल्कुल सर। इंटरव्यू में एक तो आपको क्लियर हो गया है कि आप एक्सेल का इस्तेमाल क्यों करने जा रहे हैं, दूसरा कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल, और इंटरव्यू में बता सकते हैं। अगर जी जी सिंपल डेफिनेशन देना हो कि भाई एक्सेल क्या है, सिंपल डेफिनेशन जी जी, कह सकते हैं एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर जी। पुराने जमाने में जो काम जब कंप्यूटर नहीं था तो जो काम बुक में रजिस्टर करता था सेम हमारा एक्सेल करता है, एक्सेल ठीक है ना सर जी जी जी, वो सेम काम हमारा एक्सेल करता है, रजिस्टर हट गया और एक्सेल आ गया। जैसे मान रिसेप्शन पे पहले रजिस्टर हुआ करते थे, अब एक्सेल है जी जी जी। ओके समझ में आ गया आपको सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब आप क्या बोल रहे थे बोलिए।